एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक केयर। मैं हूं राज और आज मैं हूं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस गोवा में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं आ गया हूं अपने होटल में जो कि बागा बीच के बिल्कुल भी पास है। और अभी होटल में हमारे रूम्स रेडी हो रहे हैं, सो ही आस्क्ड अस कि आप यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर वेट कर सकते हो। विद इन 10 to 15 मिनट्स हमारे रूम को रेडी कर देंगे, देन वी विल चेक इन साइड रूम। और आज धूप है थोड़ी, बट स्टिल गोवा हैज़ अ डिफरेंट वाइब, तो विल गो एंड एक्सप्लोर टुगेदर। सो देर वॉज एन इशू इन दैट रूम, क्योंकि वहाँ का जो वॉशरूम है उसमें ठंडा पानी नहीं आ रहा था, तो हमें अपग्रेड कर दिया गया है दूसरे वाले रूम में ऑन द सेम प्राइस। सो आई विल शो यू दिस रूम ऑल्सो, बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है कि इसे कबर्ड थोड़े बड़े हैं एंड यहाँ पे एक फ्रिज है छोटू सा। तो मैंने जो गेस्ट हाउस बुक किया था वो था बागा बीच के बिल्कुल ही करीब, और इसका मैंने पे किया था 1200 पर नाइट, जो कि डिपेंडिंग अपॉन द सीजन चेंज भी हो सकता है। अगर आपको इस होटल को बुक करना है तो इसके डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। सो दिस वीडियो वोंट बी द रेगुलर गोवा ब्लॉग, जहां पे आप देखते हो कौन कौन से बीचेस घूमने हैं, कहां कहां रहने हैं, कौन कौन से अनएक्सप्लोर्ड चीजें हैं वीडियो, बल्कि इस वीडियो में आई विल मेक श्योर टू शो यू द रियल गोवा, जो कि कार्निवल के टाइम होता है। जी हाँ, फेब्रुअरी एंड के टाइम, और यहाँ पे कार्निवल्स होंगे और कुछ कुछ बीचेस होंगे, कुछ पार्टीज होंगे जहाँ पे मैंने एंजॉय किया। कहते हैं व्हेन लाइफ हिट्स यू विद बोर्डम, स्केप टू गोवा, और ऐसा क्यों कहते हैं ये आपको मेरे इस वीडियो में पता लग जाएगा। तो मेरा पहला डेस्टिनेशन था पणजी का फॉन्टेनिस, जहाँ पे बेहद खूबसूरत कलरफुल हाउसेस देखने को आपको मिल जाएंगे, और यहाँ लोगों की भीड़ रोड पे आपको हमेशा देखने को मिलेगी। तो घूमते घूमते कार्निवल का भी वक्त हो चला था और कार्निवल शुरू ही होने वाली थी, तो मैं चल पड़ा उस तरफ जहाँ पे ये हो रहा था, और वहाँ जाने के बाद तो जो नज़ारे थे वो आप खुद ही देखिए। अगर बात करें कार्निवल की, तो ये एक पोर्चुगीज ट्रेडिशन है जो कि पोर्चुगीज लोगों के साथ 500 साल पहले हमारे देश भारत आया था। अब पोर्चुगीज तो चले गए, लेकिन ये ट्रेडिशन आज भी हमारे गोवा में उतने ही ग्रैंड वे में सेलिब्रेट होता है, और इस ट्रेडिशन को आप बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज जैसे कि जोश में आपने देखा होगा। तो चलिए एंजॉय करते हैं द ग्रेट सेलिब्रेशन ऑफ कार्निवल ऑफ पणजी। So this was the end of our day 1 in Goa. So let's see tomorrow what's there to explore. So one thing
मैं सजेस्ट यू फॉर गोवा कि अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स करने हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग आ जाएं, मतलब लाइक अराउंड 10 o'clock, यहाँ पे अर्ली वही है, ताकि आपको थोड़ी भीड़ कम मिलेगी और आप आराम से दूर तक जा सकते हैं। देन वी वेंट टू चापुड़ा फोर्ट सनसेट के लिए, लेकिन शाम थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तो वी डिसाइडेड टू कम देयर अगेन टुमारो मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सो फाइनली आवर लास्ट डे इन गोवा, और कल शाम को यहाँ पे सनसेट थोड़ा मिस हो गया था, सो वी अगेन केम टू चापुड़ा फोर्ट जहाँ पे दिल चाहता है वाली मूवी की शूटिंग हुई थी। सो दैट मॉर्निंग वी वर द फर्स्ट वन टू अराइव एट दैट फोर्ट। जी हाँ, बिल्कुल ही खाली, बिल्कुल ही शांत। सो आफ्टर फोर्ट वी वेंट टू सम बीचेस नियर बाय, और गोवा के बीचेस हमेशा आपको लाइवली और जॉयफुल मिलेंगे। वहाँ बीचेस पे यू कैन इवन एंजॉय द फूड, और मी बीइंग अ ग्रेट फूडी, मैंने वहाँ पे ऐसे बहुत सारे फूड को एंजॉय किया जो कि गोवा के लोकल थे, एंड फाइनली आई एम इन लव विथ गोवन फिश थाली। दैट्स ऑल अबाउट माई शॉर्ट ट्रिप ऑफ गोवा ड्यूरिंग कार्निवल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।